हाय एवरीवन, जो अब तक हमने जो लेक्चर वन और लेक्चर टू देख लिया है उसमें हमने ये जाना कि कैसे हम किसी भी नंबर सिस्टम का बेस में इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट बेस के नंबर सिस्टम है उसमें हम इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं। हमने कौन कौन से नंबर सिस्टम पढ़े, बाइनरी पढ़ा, ऑक्टल पढ़ा, हेक्साडेसिमल पढ़ा और डेसिमल पढ़ा। डेसिमल तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। फिर हमने उसके बाद क्या देखा, उसके बाद हमने कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन देखे नंबर सिस्टम्स में, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट का जो मेथड होता है हमारा, कि कैसे हम क्या हमारा आर्स कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या हमारा आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट होता है। और फिर हमने कॉम्प्लीमेंट में जो फाइनल हमने कंक्लूजन दिया था वो क्या दिया था, वो दिया था कि अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन करना है तो जो मेरा जिसको मुझे घटाना है उसका मैं क्या लूँगा, अगर मैं उसको मैं आर्स कॉम्प्लीमेंट के मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ देन क्या होगा कि मैं उसका आर्स कॉम्प्लीमेंट लूँगा जिसको मुझे घटाना है, फिर मुझे जिससे घटाना है उसमें उसको ऐड कर दूँगा, और अगर कोई कैरी आता है तो उसको डिस्कार्ड कर दूँगा, और अगर कैरी नहीं आता है तो जो हमारा फाइनल आंसर आया उसका अगेन आर्स कॉम्प्लीमेंट लेके माइनस साइन के साथ दैट विल बी माई आंसर। और अगर ये स्टेटमेंट मैं आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के परिप्रेक्ष्य में दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो जिस नंबर को मुझे घटाना है उसका मैं r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लूँगा, उससे जिससे घटाना है उसमें मैं ऐड कर दूँगा, अगर कैरी आता है ठीक है तो मैं उसे ऐड कर दूँगा, प्लस वन कर दूँगा, अगर कैरी नहीं आता है तो जो मेरा रिजल्ट था उसका अगेन r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लेके माइनस साइन के साथ दैट विल बी माई फाइनल आंसर। तो ये अगर आपको इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं दोबारा। तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ओके, या हम कह सकते हैं कि साइंड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम में। तो जो हम अब टॉपिक देखने वाले हैं वो है साइन नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो ठीक है, आइए लेट्स सी क्या होता है। तो साइन नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उससे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था, कि जो भी बाइनरी नंबर है उसके जो ये प्लेसेस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल प्लेस को, दैट इज़ बिट। मैंने बोला भी था जो बिट जो होता है वो जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का एक यूनिट है, ठीक है। अब मैंने कहा, अब मैं क्या है साइन नंबर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। साइन नंबर के रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है -7, ठीक है, तो इसके साथ क्या है, माइनस साइन है। मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है +6, इसके साथ क्या है, प्लस साइन है। तो इसका मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करूँगा, तो हमारे पास इसके कई सारे मेथड्स हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है साइन बाइनरी नंबर। अगर मैं फर्स्ट मेथड जो मैं देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये पोर्शन होता है दैट इज नोन एज LSB, इसे हम कहते हैं लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये क्या होता है, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बाइनरी नंबर का। तो अगर मुझे फर्स्ट मेथड में मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा MSB है वो मेरा साइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि MSB मेरा साइन को रिप्रेजेंट करेगी, पर कैसे करेगी, अगर मान लिया मेरा नंबर निगेटिव है तो मैं MSB लिख दूंगा 1, अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है देन MSB क्या होगी, 0। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, कि मुझे दिया होगा कि मुझे कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मुझे -7 को रिप्रेजेंट करना है,
कितने बिट में? 4 बिट में। 4 बिट में अगर मुझे -7 को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कैसे मैं करूँगा? मैं 7 का बाइनरी कन्वर्जन लिखूंगा, दैट इज 111। अब मैंने कहा 4 बिट में करना है, तो दैट मीन्स कि जो 4 बिट MSB है मेरी, वो मेरी साइन को रिप्रेजेंट करेगी। मैंने क्या बोला, MSB अगर 1 है तो निगेटिव साइन, 0 है तो पॉजिटिव साइन, यहाँ पे क्या है माइनस, तो मैंने 1 दिखा दिया। तो ये मेरा क्या है, किसका रिप्रेजेंटेशन है? -7 का। कितने बिट में? 4 बिट सिस्टम में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं +6 दिखाता हूँ 4 बिट में, तो क्या हो जाएगा, ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसे मैंने बाइनरी लिख दिया इसका, पहले 110, यहाँ मैं लिख दिया 0, दैट इज़ इक्वल टू +6। तो ये आपको एक जो एक रिप्रेजेंटेशन है साइंड नंबर्स का, जो हमारे मतलब नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं उसमें, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ये एक मेथड है, क्या है कि जो हमारा MSB है वो साइन को रिप्रेजेंट करती है। MSB अगर 1 है तो वो निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगी, MSB अगर 0 है तो वो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो मुझे यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न आई थिंक नहीं होगा। और इसमें एक ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। अब मुझे क्या है कि एक इसका, चलो अभी मैं हमको इसको यहीं पे रखते हैं, ये आई थिंक होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा कि MSB और साइन बाइनरी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि MSB उसके साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब उसके बाद क्या है कि सेकेंड मेथड हमारा आता है जो हमने पढ़ चुके हैं, आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो मैंने कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लगातार क्वेरीज आ रही हैं कि सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही हैं या प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, कुछ डाउट्स आ रहे हैं। तो आज हमारा मेन कंसर्न लेक्चर के लास्ट तक क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अभी हम क्या है कि थोड़ी थ्योरी पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्टिंग से जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके हम वेरियस जो एग्जाम्पल्स हैं, लाइक वेरियस जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम उसे सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो अभी मैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आपका सेकेंड जो रिप्रेजेंटेशन है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ये क्या है, साइन नंबर के लिए है। वो जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड पढ़ा था वो जनरल था, लाइक अनसाइन नंबर के लिए। अब ये है साइन नंबर के लिए। तो साइन नंबर के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट का मेथड क्या बोलता है कि लाइक अगर आपका कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसका जो वंस जो रिप्रेजेंटेशन होगा वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में, उसको हम एज इट इज, जो उसका एज इट इज जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और अगर निगेटिव है तो हम क्या लेंगे उसका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको समझ में आओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर मान लिया एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि मैंने कहा +7 का मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है या मुझे इसे वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 0 1 1 1। +7 प्लस नंबर है तो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसकी तरह लिख दूंगा। अगर मुझे -7 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले इसके पॉजिटिव नंबर का जो -7 का जो मेरा पॉजिटिव बाइनरी इक्विवेलेंट है वो लिखूंगा, फिर मैं इसका क्या ले लूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये बात से समझ में आ गई होगी कि जो -7 का रिप्रेजेंटेशन है वंस कॉम्प्लीमेंट में वो क्या है, 1000, और जो +7 का है वो है 0111। तो मैं एक इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या समझ में आया कि पॉजिटिव नंबर का जो वंस कॉम्प्लीमेंट है साइंड रिप्रेजेंट, जब हम साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो एज इज इक्वल टू इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बट जो नेगेटिव नंबर का है उसको अगर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में लिखना है तो हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव का सबसे पहले बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो इसका जो
नेगेटिव सेवन का जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो 1000 होगा। तो यहाँ पे किसी को आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब मैं एक इसका बहुत ही, चलो वो बाद में कंपेरिजन दिखा दूंगा मैं। अब थर्ड जो है, थर्ड टॉपिक, थर्ड मतलब थर्ड मेथड, दैट इज़ टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में मैंने सेम ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। प्लस सेवन, जैसे प्लस सेवन दिखा रहा हूँ मैं, प्लस सेवन का अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है तो एज इट इज़ उसका बाइनरी इक्वलेंट, और अगर माइनस सेवन का रिप्रेजेंट करना है तो टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, मैंने बताया पहले प्लस सेवन को हम लिखेंगे, प्लस सेवन को बाइनरी में, उसके बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर इसमें हम प्लस वन ऐड करेंगे तो ये आएगा इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो प्लस माइनस सेवन को हम टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ठीक है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था जिसमें हम MSB से साइन डिसाइड करते थे, लाइक आपसे कहेगा इतने बिट में रिप्रेजेंट करो, तो जो MSB होगी अगर वो जीरो है तो प्लस को डिनोट करेगी, और M1 है तो माइनस को, बाकी एज इट इज़ उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देंगे। फिर हम आते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में। वंस कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या बोला कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एज इट इज़ उसका बाइनरी इक्विवेलेंट, और अगर निगेटिव नंबर है तो सबसे पहले मैं उसके पॉजिटिव का क्या लिखूंगा, बाइनरी इक्विवेलेंट, फिर उसका ले लूँगा वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरा होगा, इट विल बी माई फाइनल आंसर, ठीक है। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है तो मैंने क्या बोला, पॉजिटिव नंबर का एज इट इज़ बाइनरी इक्विवेलेंट, और नेगेटिव नंबर का क्या होगा, हम उसके पहले पॉजिटिव का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, 1001 इसका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि लाइक अगर मुझे किसी का वंस कॉम्प्लीमेंट दिया है तो उसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा। तो मैं इसी एग्जांपल से बता देता हूँ, दो तीन आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक अगर मेरे पास माइनस फाइव है जिसका मुझे क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस फाइव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लस फाइव का लिखेंगे बाइनरी इक्विवेलेंट, वो क्या आएगा, 0 1 0। और हाँ, ये सारी जो कैलकुलेशन है ये मैं 4-bit नंबर सिस्टम में कर रहा हूँ, अगर वो 8-bit में कहेगा तो हमें 8-bit करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस फाइव मैंने लिख दिया, क्या है, प्लस फाइव का बाइनरी हो गया ये। अब मैंने कहा मुझे माइनस फाइव को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि प्लस फाइव का सबसे पहले मैं बाइनरी इक्विवेलेंट लिखूंगा, फिर इसका मैं वंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1010। अब मैं ये कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना कि लाइक मुझे ये दिया है, ये किसी ने मेरे से कहा कि ये 4-bit नंबर सिस्टम में ये किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो फाइंड द नंबर। तो मेरा क्या है, मुझे पता है कि जो बाइनरी के हिसाब से पोजिशनल वैल्यू होती है वो होती है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो मैं इसको जो सॉल्व करूँगा वो कैसे करूँगा, इसको 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0, जो MSB है उसे मैं किसके साथ लिखूंगा, माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आया -8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, ये आया -6। जो आंसर आएगा इसमें मैं क्या कर दूंगा, प्लस 1 ऐड करूंगा तो आएगा -5। दैट मीन्स कि जो 1010 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -5 को। अब अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, ये सबको समझ में आ गया होगा। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ, 1000, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैंने कहा MSB को मैं माइनस साइन के साथ लिखूंगा और बाकी सब 0 आ जाएंगे, जो भी आएगा -8 उसमें मैं प्लस 1 ऐड कर दूंगा, -7, मतलब ये -7 का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मुझे समझ में आ गया कि वंस कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे कोई दिया हुआ है किसी नंबर का तो मैं उसका कैसे फाइंड करूंगा, उसके इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या रहता है, तो अब टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं बात करूं कि कोई मेरे पास नंबर है, लाइक उसी से स्टार्ट करता हूं, अगर मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट का क्या नंबर दिया है,
पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ, मान लिया मैंने कहा मुझे 5-5 को 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे प्लस 5 का क्या लिखूँगा, बाइनरी इक्विवेलेंट 4 बिट में, 4 बिट है तो मैं एक यहाँ पे MSG 0 लगा दे रहा हूँ। अगर 8 बिट होता तो मैं उतने 0 आगे बढ़ा देता, ठीक है, जितने बिट में मुझे पूछता, पर यहाँ पे मुझे 4 बिट की बात कर रहा है तो मैंने 4 बिट लिया। अब क्या है इसका मैं क्या लूँगा, 1's कॉम्प्लीमेंट 1010, देन मैं इसमें क्या करूँगा ऐड प्लस 1011। तो ये क्या है, ये किसी माइनस 5 का 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे किसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो मुझे फाइंड करना है वो नंबर क्या होगा। तो मैं ऐसे कैसे करूँगा, इसकी पोजिशनल वैल्यू वही 0 1 2 2 की पावर 3। अब मैंने कहा MSB मैं इसमें भी माइनस साइन के साथ लिखूंगा, तो मैं इसे फाइनल लिख रहा हूँ, माइनस 2 की पावर 3 × 1, ये कितना हो गया माइनस 8, ये 0, ये 2, ये 1। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा माइनस 5। तो यहाँ मैंने क्या देखा कि इसमें तो मैंने प्लस 1 ऐड किया पर इसमें मैं प्लस 1 ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी पूछे भी जाते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म दे देगा, उस आपसे पूछेगा इसका इक्विवेलेंट बताओ, तो ये मेथोडोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। पर लेकिन एक बात ये हमें देखने वाली है कि जो इसका MSB है वो हमेशा 1 है, तो इसीलिए ये हमेशा निगेटिव नंबर आ रहा है। अगर इसका MSB 0 होता, अगर ये ऐसा लिखा होता 0010, तो इसका अगर ये 1's कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मान लिया कोई 1's कॉम्प्लीमेंट में किसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या है 0010, तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अगर मान लिया 2's कॉम्प्लीमेंट में किसी को मैंने लिखा है 0110, तो इसका इक्विवेलेंट जो बाइनरी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 6, क्योंकि क्या है MSB 0 है, ये इसका मतलब क्या है कि ये निगेटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि ये अगर 1 है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊंगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये अगर 1 है तो क्या है कि तभी हमें पता है कि ये नंबर माइनस है। इन केस अगर MSB 0 है तो ये पॉजिटिव नंबर है, और मैंने बताया है कि पॉजिटिव नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट इक्विवेलेंट टू बाइनरी होता है या 2's कॉम्प्लीमेंट इक्विवेलेंट टू बाइनरी होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव नंबर के 1's कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, या पॉजिटिव नंबर के 2's कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने कहा पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट नंबर होगा वो क्या होगा, इसका 2 और इसका 6। और क्योंकि 1's एंड 2's कॉम्प्लीमेंट में दोनों में स्टेटमेंट कॉमन है तो दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। इसका जो फाइनल एक्चुअली एक मैं टेबल अभी दिखाऊंगा उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं आपसे आपको क्या समझाना चाह रहा था। फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि 2's कॉम्प्लीमेंट हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि 2's कॉम्प्लीमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्यों यूज़ करता हूँ, तो मैं वो भी एग्जांपल के थ्रू देता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1's कॉम्प्लीमेंट है, कोई 1's कॉम्प्लीमेंट में मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं आपके सामने दो सिचुएशन दे रहा हूँ। अब आप इसके इक्विवेलेंट निकालिए। मैंने कहा अगर MSB 0 है तो इसका जो इक्विवेलेंट नंबर होगा किस फॉर्म में, 1's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, ठीक है। 1's कॉम्प्लीमेंट जो हम मान लिया जिस डेसिमल नंबर का निकाल रहे हैं वो नंबर क्या होगा अगर इस फॉर्म में लिखा है, तो मैंने कहा जो ये नंबर है 0 अगर है तो एज इट इज़ बाइनरी इक्विवेलेंट, तो वो क्या आएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1, तो मैं इसका अगर मैं 1's कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, मतलब अगर ये किसी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट है तो मुझे इसका क्या इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा,
ठीक है। फिर मैंने कहा इसको मैं सॉल्व करूँगा, फिर मैंने कहा लास्ट में एक ज़ीरो। ये चीज़ क्या दिखा रही कि दैट मीन्स कि वंस कॉम्प्लीमेंट में ज़ीरो के दो रिप्रेजेंटेशन है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई नंबर सिस्टम जिसमें एक नंबर के दो रिप्रेजेंटेशन हो दैट विल बी गुड फॉर अवर डिजिटल सिस्टम? कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो ये एक मेन रीज़न है कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो कैलकुलेशन के लिए जनरली यूज़ नहीं होता है। तो सबसे जो इसका बेस्ट मेथड है दैट इज़ टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो जीरो है उसका सिंगल रिप्रेजेंटेशन होता है। दैट इज इक्वल टू 0000 और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो ये एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में ये एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दोनों में आपसे कोई पूछ सकता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में जीरो के कितने रिप्रेजेंटेशन होते हैं या टूज कॉम्प्लीमेंट में जीरो के कितने रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के मेथड का। बाकी आपको आर और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने आते हैं, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे, टेंथ कॉम्प्लीमेंट कैसे, सेवन फिफ्टीन्स एफ मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट या सिक्सटीन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, वो सब आपको पता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट में एक ये मुझे चीज़ ऐड करनी थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं कुछ रेंज डिस्कस करने वाला हूँ। ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसको आप उससे पहले एक टेबल बनाना है मुझे। लाइक ये आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है, ठीक है, ये आपका आपका उसके बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। ये उसका मैंने साइंड जो फॉर्म होती है उसमें रिप्रेजेंट कर दिया। ये वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। अब इसमें मैं जो नंबर ले रहा हूँ वो 4 बिट के नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, ये क्या है, डेसिमल है, ये उसका बाइनरी, ये साइंड फॉर्म में है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट। मैंने ये टेबल क्यों खींची है, लाइक मैं आपको इनकी रेंज बताना चाहूँगा इस टेबल के थ्रू, ठीक है। तो एक +7 से -8 तक के नंबर्स को मैंने साइंड फॉर्म वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा है। तो अगर बाइनरी में मैं लिखता हूँ तो आपको पता है कि बाइनरी में सिर्फ हम प्लस रिप्रेजेंट कर पाएंगे 0 से लेके 7 तक, एज इट इज़ मैंने उसके बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया। फिर साइंड फॉर्म में मैंने कहा MSB जो है साइन को दिखाएगी, तो MSB आप देखो यहाँ से यहाँ तक प्लस है तो 0, नीचे क्या है माइनस। लेकिन क्या हम इसमें -8 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे? -8 को 4 बिट में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि -7 को ही हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। MSB 1 है, बाकी 3 डिजिट 1111, तो ये 4 बिट से ऊपर चले जाएगा -8, तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे साइंड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में मैंने कहा प्लस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट एज इट इज लिख देंगे बाइनरी इक्विवेलेंट, माइनस नंबर का क्या लिखेंगे हम, जो प्लस नंबर है पहले उसको उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे और उसका फिर हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो आप चेक करोगे तो आप इसमें भी -8 को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो टूज कॉम्प्लीमेंट में मैंने मैंने फिर वही किया, पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट एज इट इज उसका बाइनरी इक्विवेलेंट रहेगा यहाँ तक। फिर क्या है, जो भी निगेटिव नंबर का है पहले उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर देखेंगे, फिर उसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन आएगा। अब कुछ रेंज है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके पास एन बिट का नंबर है, ठीक है, तो आपकी साइंड साइंड जो रिप्रेजेंटेशन है साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उसकी रेंज क्या होगी? तो आप देखो कि 4 बिट के नंबर के लिए आप इसको कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहे हो, +7 से -7, ठीक है, -8 रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। तो साइन फॉर्म के लिए इसकी रेंज क्या होगी, लाइक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं -2 to the power n-1, ठीक है, -1 to 2 to the power n-1 -1, ठीक है। क्योंकि देखो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 -1 कितना हो 3, 8, 8 -1 7 और 8 -1 7, -7 to +7। अब मैं वंस कॉम्प्लीमेंट की अगर रेंज की बात करूँ तो वो क्या आ रही है, वो भी सेम आ रही है, ठीक है। तो उसको मैं क्या लिखूँगा, उसको भी वंस कॉम्प्लीमेंट की भी रेंज क्या होगी ये आप नोट डाउन कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, ठीक है। तो जो आपका साइंड रिप्रेजेंटेशन है उसकी रेंज क्या होती है, जो मैक्सिमम निगेटिव नंबर हम जो रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो ये होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर जो हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो ये होगा। ये हो गया साइंड के लिए,
अब मैं बात करूं वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, इसके लिए भी क्या है सेम, ठीक है। बट मैं अगर बात करूं टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो आपको दिख रहा है कि मैं यहां पे 8 को भी माइनस 8 को भी रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। दैट मींस माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। 2 प्लस 7 से स्टार्ट हुआ, 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1। तो ये रेंजेस मैं आपको इस, ये टेबल एक्चुअली मैंने क्यों बनाई यहां पे, एक तो आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो बाइनरी जो ये जो डिफरेंट जो हम साइंड जो साइन हमारे नंबर हैं, जो नेगेटिव साइन वाले नंबर हैं, जो हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी रेंजेस क्या होंगी। मतलब अगर हम एक ऐसा नंबर सिस्टम लेते हैं लाइक कि जिसमें हमारे दोनों नंबर हैं, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, तो उसमें इनकी रेंजेस कहाँ तक फिक्स हो जाएंगे। अगर मैं n बिट का साइन नंबर लेता हूँ, ठीक है, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करता हूँ तो वो कितनी रेंज को रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर n बिट का है इसको, और टूज कॉम्प्लीमेंट है तो इसको। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस रेंज पे, कि आपसे पूछ लेगा कि लाइक अगर 5 बिट का मेरा कोई वंस कॉम्प्लीमेंट 5 बिट का कोई वंस कॉम्प्लीमेंट है तो मैक्सिमम नेगेटिव नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू 5 डालनी है, 2 की पावर 5 माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 4 16, माइनस 1 15, तो माइनस 15 उसका मैक्सिमम नेगेटिव नंबर। आपसे पूछ सकता है 7 बिट के, 12 बिट का, 13 बिट का, कुछ भी, तो आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको आप नोट कर लो, ये जो टेबल मैंने जो बना रखी है उसका एक मेजर जो ऑब्जेक्ट था वो यही था कि आपको इन रेंज के बारे में आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये रेंज नोट कर लो, ये टेबल नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये रेंज नोट करने की जरूरत है जो कि मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब हम ऐसा है, थोड़ा सा हम बस बाइनरी कोड्स के बारे में एक बार थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, फिर हम आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो मैंने कहीं से डिज़ाइन करी हैं, कहीं से नोट करी हैं, कई एग्ज़ाम्स में मैंने मतलब कई एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो अब बाइनरी कोड्स क्या होते हैं, ठीक है। बाइनरी कोड्स में सबसे पहले मेरा आता है BCD कोड, और फिर मेरा आता है क्या, जो तीन कोड हैं, XS3 कोड, एक होता है मेरा ग्रे कोड। ग्रे कोड में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ग्रे कोड हम अभी क्यों नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे जब हमें गेट का आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से हमारे लॉजिक गेट्स रहते हैं। तो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ BCD कोड और XS3 कोड। तो BCD कोड में आपको किसी नंबर का BCD कोड, अगर BCD कोड से रिप्रेजेंट करना है, इसे मैं 8421 कोड भी कहता हूँ, ठीक है, या वेटेड कोड भी कहा जाता है इसे, वेटेड कोड, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि BCD कोड कैसे रिप्रेजेंट करना है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, 7 और 9 है, 7 9 को मैं BCD कोड में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना, 9 का मुझे 4 बिट में इक्वलेंट बाइनरी लिखना है, 7 का मुझे 4 बिट में इक्वलेंट बाइनरी लिखना है। ये मेरा, अब इसको मैं कंबाइन कर दूंगा, ये मेरा 79 का BCD रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, बहुत इजी है। XS3 का क्या है बता देता हूँ मैं, 7 9, इसके इंडिविजुअल डिजिट में हम +3 ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 12, ठीक है। 12 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1, ठीक है, 0 1 0 1 1 0 0, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा, 1 0 1 0। तो 79 का XS3 रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 0 1 0 और 1 1 0 0, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर ये नंबर है जैसे हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको इजीली क्या क्या हम +3 +3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये एक हमारा XS3 कोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया,
ठीक है, तो ये आपको इजीली पता चल गया कि हम इंडिविजुअली डिजिट पे तीन तीन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मेरा क्या है, ये आपको एक्सेस थ्री और इसका आइडिया हो गया। अब मैं तो कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा, बीसीडी कोड में हम क्या करते हैं कि इसके जो भी 4 बिट का जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। उसको उसके इक्वलेंट मतलब 4 बिट बाइनरी नंबर के इक्वलेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं एक जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, लाइक 10 है, इसका बीसीडी कोड क्या होगा, 0000001, सिंपल, ठीक है। और अगर इसका मुझे एक्सेस थ्री निकालना है तो इसमें मैं तीन ऐड थ्री ऐड करूँगा, इसमें मैं थ्री ऐड करूँगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1100, ये इसका क्या होगा एक्सेस थ्री, ये इसका क्या है बीसीडी कोड। तो कोड्स रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका बीसीडी और एक्सेस थ्री रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एक टेबल मुझे और बनानी है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, अदरवाइज वो पूरा बहुत सारा टाइम ले जाएगी जब मैं आपको ग्रे कोड पढ़ाऊंगा। तब बीसीडी कोड और एक्सेस थ्री कोड की और ग्रे कोड की कुछ एक क्या होता है कि कुछ इनका एक स्पेसिफिकेशंस हैं, एक कुछ कुछ मतलब स्पेशलिटी है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। हमारा वो फाइनल लेक्चर होने वाला है वैसे भी नंबर सिस्टम का। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एक्सेस थ्री अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो क्या है कि पहले नंबर में हम +3 +3 ऐड करेंगे और उसका क्या लिख देंगे, सीधे सीधे 4 बिट में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और अगर मुझे बीसीडी निकालना है तो सीधे सीधे डायरेक्ट नंबर का 4 बिट में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल हो गया। अब जो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं वो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, कुछ लोगों को सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ लोग कह रहे थे सर मल्टीप्लिकेशन हमें कुछ सिखा दो। तो अब मैं आज आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टल सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। क्वेश्चन है ये 723, ये ऑक्टल में दिया है, ठीक है। इससे मुझे माइनस करना है 564 ऑक्टल में, ठीक है। ये प्रॉब्लम किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आई हुई है। तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी मैं कोई कुछ भी अगर ऑपरेशन करता हूँ मैं सबसे पहले इमेजिंग करूँगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम क्या करते थे डेसिमल में, क्या है कि अगर मान लिया ये नंबर छोटा होता था तो हम क्या करते थे, एक बोरो लेते थे, ठीक है। बोरो लेने के बाद जो नंबर है, मैं फिर से एक एग्जांपल लिख देता हूँ, तो मैं जब यहाँ पे एक बोरो लेता था तो इसमें जो इसका बेस है उसका इक्विवेलेंट नंबर ऐड करता था। तो सेम चीज यहाँ पे +3 है, मैंने एक बोरो लिया, ठीक है, तो बेस के इक्विवेलेंट मैंने नंबर यहाँ ऐड किया, तो 8 + 3 क्या हो गया 11, ठीक है। 11 में से 4 गया, कितना आ गया, कितना आ गया 11 में से 4 गया 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 1, जैसे यहाँ पे एक कम हो जाता था, अब 1 बचा, सेम चीज 1 में से 6 नहीं घटेगा, तो मैंने फिर एक बोरो लिया, फिर मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा +8, 1 था +8 किया कितना हो गया 9, 9 में से 6 गया कितना आ गया 3, यहाँ पे क्या बचा 7 रह गया, अब एक बोरो लिया था 6 में से 5 गया 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 137। देखिए कितना सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक एनालॉगी बना रखी है कि मैं कोई भी ऑपरेशन करूँगा तो मैं क्या देखूँगा, अपना डेसिमल नंबर सिस्टम को दे दूँगा एज इट इज़ ऑपरेशन कर दूँगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि एक मेरा हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन है लाइक 974B, ठीक है, इससे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 587C को, ठीक है। अब सेम चीज बी का है, बी का किसको हम, बी किससे रिप्रेजेंट करते हैं 11 से, सी किससे करते हैं 12 से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बोरो लिया, बोरो लिया तो मैं क्या करूँगा, एक बेस के बराबर इसमें नंबर ऐड कर दूंगा, बेस क्या है इसका 16 +11 क्या हो गया 27 में से अगर मैं 12 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा, तो आएगा शायद 15, ठीक है, 15 आया। 15 का हेक्सा में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा F, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना बचा 3, 3 में मैंने क्या किया, फिर एक बोरो लिया, ठीक है, देखते रहना, बोरो लिया तो 3 में क्या ऐड होगा, बेस के बराबर कितना होगा 16 + 3 19, 19 में से 7 गया कितना आया 12 किसके इक्विवेलेंट होता है 8 है B11 C12, तो कितना पे क्या बता 6, फिर मैं एक बोरो लूँगा, ठीक है,
सिक्स बचा, बोरो लिया तो 16 ऐड होगा सिक्स में, कितना हो गया 22, 22 में से 8 गया, कितना आ गया 14, 14 किसको रिप्रेजेंट करता है ई को, फिर यहाँ पे क्या बचा 8, 8 में से 5 गया 3, तो 3ECF ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं इसे फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, दोनों सेम ही है, मतलब ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आती तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने क्या किया, यहाँ पे बी देगा सी से लेस देन है, तो मैंने एक क्या उठाया बोरो उठाया, बोरो उठाया तो मुझे डेसिमल में पता है कि 10 ऐड करता हूँ तो मैं हेक्साडेसिमल में कितना ऐड करूँगा 16, तो बी का इक्विवेलेंट होता है 11 प्लस 16 ऐड किया मैंने, क्या हो गया 27, सी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो 12 से करते हैं, तो 27 माइनस 12 क्या हो गया आपका 15, 15 का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एफ, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कितना 3, 3 7 से क्या है छोटा है, अब मैं क्या लूँगा फिर एक बोरो लूँगा, बोरो क्या ऐड करेगा 16 ऐड करेगा, 16 में प्लस 3 ऐड हुआ कितना हो गया 19, ओके, और 19 में से 7 गया किस क्या हो गया 12, 12 में किसको रिप्रेजेंट करता है सी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा 6, 6 में मैंने फिर एक बोरो लिया कितना आ गया 22, 22 में से 8 गया कितना आया 14, 14 किसको रिप्रेजेंट करता है ई को, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा फिर एक कम हो, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3। तो अब किसी को इन दो एग्जाम्पल को देख के कोई भी सब्ट्रैक्शन नहीं आई थिंक प्रॉब्लम होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं बस आपको डेसिमल में समझा दे रहा हूँ, वो उसका एप्लीकेशन बाद में आएगा, लाइक अगर मेरे पास 808 है, ठीक है, और मैं इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ लाइक 97, ठीक है, ये कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से बोरो लेता हूँ तो मैं इसमें 10 ऐड करूँगा, 10 प्लस 8 18 में से 9 गया 9, बट यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है बोरो से जो एक नंबर कम होता है लाइक 9, तब मैं 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करता हूँ 2, यहाँ बचा 7, ठीक है। तो ये मेरा डेसिमल में सब्ट्रैक्शन का रूल है। अगर सेम सिचुएशन ऑक्टल और हेक्सा या आपका उसमें आती है बाइनरी में, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे हम किसको फिल करते हैं, जो बेस से एक कम होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसी भी प्रकार के सब्ट्रैक्शन में कि जहाँ पे जीरो आया और अगर मैं यहाँ से बोरो ले रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट इस प्लेस पे कितना आता है, वो 9 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बेस से एक कम। अगर हेक्सा है तो 16 है तो 15 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्टल है तो 8 है तो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बाइनरी है दो बेस होता है तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना। तो गाइज़ अभी हमने क्या किया, अभी हम लोगों ने दो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लिए कि हम कैसे ऑक्टल में सब्ट्रैक्शन करेंगे और कैसे हम हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक जो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न आ रहा था, कईयों ने मेरे से पूछा भी कि सर सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैंने उसके लिए वो दो एग्ज़ाम्पल बता दिया आपको। अब आपके पास एक ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, तो मैं इनको एक बार सॉल्व करवाना चाहूँगा, तो आप ज़रा कंसिडरेट करिएगा। तो ये एक है क्वेश्चन लाइक 24 बेस बी में, 14 बेस बी में है, इसका एडिशन 41 बेस बी में आ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन ये है, थर्ड एक स्क्वायर का कोई क्वेश्चन किसी मैं ग्रुप में देख रहा था, पूछा गया था, तो वो स्क्वायर से रिलेटेड एक क्वेरी मैंने ले ली है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या कैसे तरीका है इसे सॉल्व करने का, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अगर 4 इन डेसिमल प्लस 4 इन डेसिमल मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा 8 इन डेसिमल, पर मैंने एक चीज़ ये देखी कि जब मैं इसे ऐड कर रहा हूँ 8 तो डेसिमल में आ रहा है पर यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो मुझे कोई ऐसा नंबर सिस्टम चाहिए जिसमें मैं 8 को रिप्रेजेंट करूँ, समझ रहे हो आप, कि 8 को मैं रिप्रेजेंट करूँ तो मतलब फर्स्ट डिजिट में 1 आए, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में कन्वर्जन क्या परफॉर्म करना है, ध्यान देने वाली बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में एक वो ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, लाइक जैसे हम 9 प्लस 9 डेसिमल नंबर में करते हैं तो क्या आता है 18, ठीक है। 18 को मैं 18 क्या लिख देता हूँ, नहीं लिखता हूँ, अगर मान लिया यहाँ आगे है तो 1 है मेरा कैरी जाता है, 1 कहाँ से निकल के आता है,
जब मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूँ तो 10 बन जाए 10, 8, तो 8 जो रिमाइंडर है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और 1 मेरा कैरी इधर आ जाता है, ठीक है। फिर मैं 1-1 जोड़ देता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज़ करूँ तो लाइक जो 8 है, ठीक है, 8 का क्या है, 8 1 बन जा रहा है, तो इसका बेस क्या हो सकता है? मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा कि मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूँ लेट बी से, कुछ एक्स, कुछ ए आ रहा है और समथिंग यहाँ पे एक नंबर आ रहा है वाई, बट रिमाइंडर क्या है, ये 1 आ रहा है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। अब वाई की वैल्यू इसके लिए क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, ठीक है। अब मुझे पता है कि 7 अगर वाई की वैल्यू है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 7 हो सकता है बस, ठीक है। तो तभी क्या है, तभी ये 1 आ सकता है और ये क्या आएगा, 1, जो कि आपका क्या हो जाएगा, कैरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बेस किसके इक्वल हो गया, 7 के। अब इसको हम रफली परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो 24 7 में प्लस 20 प्लस 14 7 में, तो 44 क्या हुआ, 8। बेस क्या है, 44 क्या हुआ, 8, बेस क्या है, 7, तो 8 से इसको 7 बन जा, 7 बचे क्या, 1 यहाँ आ गया, कैरी क्या आ गया, 1 2 1 1 3 प्लस 1 4, 41 आ गया। इसका मतलब क्या है, बेस 7 है। तो बस इतना ही इसका एक सॉल्यूशन है, आप देख लो, थोड़ा सा बस लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आपका दूर हो जाएगा। लाइक 5 प्लस 4 डेसिमल कितना आएगा, 9 डेसिमल, पर इस बेस में क्या है, 3। अब मुझे 9 को ऐसे नंबर से डिवाइड करो किस, लाइक जो शेष है वो 3 है, वो क्या हो सकता है, 6, ऑब्वियस सी बात है, 6 1 6 3, तो 3 आपका क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, 1 आपका क्या हो जाएगा, कैरी। तो मतलब इसका बेस क्या है, 6 है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद एक ये होपफुली क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि लाइक हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। बस मैंने वही कर रखा है कि डिफरेंट नंबर सिस्टम में एडिशन कैसे करते हैं, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब क्या है ये, अब देखो मुझे जब कुछ नहीं दिया तो मैं यहाँ पे बेस 10 मान लूँगा, ठीक है। अब लेकिन मैं इसका स्क्वायर एक साथ नहीं कर सकता जब तक मैं इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट ना करूँ। तो डेसिमल में मैंने इसे कन्वर्ट किया, बी की पावर 0 × 4 प्लस 5 × b की पावर 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 7। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, अब क्या हुआ, 5b इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, 45, देन b इक्वल टू क्या आ गया, 9। अब ये देखो आप की 3 प्रॉब्लम है, इसे आपको करने में एग्ज़ाम में कितना टाइम लगेगा, हार्डली मुश्किल से मतलब 3 मिनट 1 मिनट का भी एक प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअल में, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, लाइक एक लाइन में आंसर है ये, यहीं पर मुझे पता चल जा रहा है कि अगर मैं 8 आता है तो 7 से अगर इसे डिवाइड करूँगा तभी 1 आएगा और किसी से नहीं आएगा, 8 से करूँगा तो 0 आएगा, 5 से करूँगा तो 3 आएगा, 6 से करूँगा तो 2 आएगा, सेम कॉन्सेप्ट इस पर, ठीक है, ठीक है। और ये तो फिर आपको सिंपल सही है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इन क्वेश्चंस को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो नंबर सिस्टम का हमारा टॉपिक है वो बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको क्या है कि डेसिमल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं डेसिमल आप परफॉर्म कर रहे हो उसका आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर नहीं पता है, महत्व तो नहीं पता है कि कैसे आप कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बार बार हमेशा आपसे बोल रहा हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम आपको कम्प्लीटली पता होना चाहिए। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये 3 एग्जांपल मैंने करवाए। अब कुछ लोगों का कहना था कि मल्टीप्लिकेशन, ओके, तो अब हम 2 क्वेश्चन लेते हैं एक साथ। दो क्वेश्चंस मैं एक साथ ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ देखना, एक तो मैं डिवीज़न का ले रहा हूँ,
और एक मैं मल्टीप्लिकेशन का ले रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन क्या आया मेरे पास कि 1 1 1 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 54b/4b=13b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो होता है, सबसे पहले हम वन से ऊपर के फोर चारों वन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, फिर एक वो स्पेस देंगे, फिर 1 1 1 1, फिर स्पेस देंगे, अब आपको ये लग रहा होगा कि एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन है, पर ये अभी एक सम की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन गई है जिसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आप फुल एडर की टू टेबल लिख दोगे। इसको मैं जोड़ता हूँ तो वन आएगा, सबको पता है। 1 1 1 1 मैंने क्या बोला था, 1 0, 1 क्या हुआ, कैरी आ गया, यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या आ गया, 0। अब मैंने इसे 1 2 3 4 क्या आएगा, 1+1+1+1+4, 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, मैं इनके यहाँ को इसके यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 100। बिट कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, कैरी कहाँ आएगा, यहाँ जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, 102 के इक्वल होता है, तो 2+1 3+1 4 5 6, 6 का बाइनरी क्या हो गया, 110, 0 यहाँ पे जाएगा, 11 यहाँ आएगा, ठीक है। अब 3+4 5 6, 6 फिर आ गया, 0 3 3 4 5 5 आया, 1 यहाँ आया, 1 0, 2+1 3, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया, क्लियर कट है, क्लियर कट है कि वीए वन आ गया, 1 1 1 0 हो गया, 1 कैरी आ गया, 1 2 3 4, 1 00, 0 यहाँ आ गया, 1 0 कैरी हो गया, 2 3 4 5 6 6, 1 1 0, 0 यहाँ आ गया, वो 11 वहाँ चला गया, 3 4 5 6 6, 1 1 0 आ गया, 0 यहाँ आ गया, 3 3 वहाँ चला गया, 3 4 5, 101 आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1 0 उधर चला गया, 2 1 3, 1 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, 4 से डिवाइड करना है 54 को, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 3 जा, अब देखना 4 3 जा कितना आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहा हूँ, ट्वेल्व, ठीक है, 4 3 जा 12 हो गया डेसिमल नंबर, लेकिन क्या है कि 12 नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जब 14 आएगा तब ये पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो मतलब इक्वेशन क्या बनी, ट्वेल्व, ठीक है, बट होना क्या चाहिए था, किसके इक्वल होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 14 × base b, तो दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, अब इसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, तो 4+b=12, देन b=8, कंप्लीट डिवीजन कब होता है, जब ये नीचे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आपको पता है, तो आपको इतना ही पता है कि 4 और 3 अगर डेसिमल में होता तो इसका इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, 12, बट यहाँ पे 4 किसी और बेस में और उसका इक्विवेलेंट कितना है, 14, दैट मीन्स कि 12 base 10 और 14 base b, दैट इज़ इक्वल है, ठीक है। अब ये इससे मैंने क्या करा, ये मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मेरी बी की वैल्यू आ गई, तो आप देखो कि कितना आसान से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपके नंबर सिस्टम में, ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। मल्टीप्लिकेशन में आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये डिवीजन, डिवीजन कभी भी आपसे बड़े डिवीजन कभी नहीं पूछता, क्योंकि
एग्जामिनर कभी भी ऐसे क्वेश्चन सेट करता ही नहीं है कि लाइक, क्योंकि आपको पता है आपके पास ऑप्शन होने वाले हैं वहाँ पे, तो आप कैसे ना कैसे करके तो सॉल्व कर ही दोगे उसको, वो बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, या वैल्यू पुट करोगे या कुछ भी करोगे। एग्जामिनर का मेन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो डिवीज़न में आप कभी भी किसी भी कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी एग्जाम्पल देखना, कभी भी बहुत तगड़े डिवीज़न कहीं नहीं पूछे गए हैं। मल्टीप्लिकेशन मैंने इसलिए बता दिया कि पूछ सकता है, बट बहुत रेयर है, ये भी बहुत रेयर है, बट हाँ डिवीज़न का ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो देख लो आप कितना सॉल्यूशन हुआ इसका। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, फिर हमें एक स्पेशल प्रॉब्लम लेंगे। एक प्रॉब्लम हमारे क्या है कि लाइक हमसे पूछा गया कि 125 आर ये किसके इक्वल है 203 के 5, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। कैलकुलेट कर रहा हूँ देखना। अब क्या है कि मैं किसी भी नंबर सिस्टम को कंपेयर नहीं कर सकता, या तो मैं दोनों को डेसिमल में कंपेयर दो डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तब तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या कर लिया, डेसिमल में कैलकुलेट करा, तो ठीक है। पोजिशनल वैल्यू क्या हुई, आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2। अब इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर प्लस 2R प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ क्या है 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0। तो यहाँ क्या आ गया 25 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 3, तो ये क्या आ गया R स्क्वायर प्लस 2R प्लस 5 53। ये आ गया R स्क्वायर प्लस 2R इक्वल माइनस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया R स्क्वायर प्लस 8R माइनस 6R माइनस 48 इक्वल्स टू 0। आर कॉमन लिया R प्लस 8, माइनस 6 कॉमन लिया R प्लस 8, तो यहाँ से R इक्वल टू आ गया 6, R इक्वल टू माइनस 8। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बेस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो R की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था ये, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल बस कन्वर्जन किया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाई है सॉल्व। अब हम आज के जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ जाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम। ये आपको एक तरीके से वो बताएगा कि लाइक डिजिटल, ये आपको बताएगा कि डिजिटल में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, डिजिटल में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कुछ नहीं, सिंपल एक मैथ्स मैंने सॉल्व कर रखी और कुछ नहीं किया है, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। क्या है लास्ट क्वेश्चन कि आपके पास उसने कहा कि एक सिस्टम ऐसे है, यहाँ पे आपका वंस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्टर है, टूस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्टर है, इसमें मैंने इनपुट दिया I0, I1, I2, I3, यहाँ मेरा क्या आया O0, O1, O2, O3, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है ये सिस्टम S है, ठीक है। अब क्या है कि उसने कहा कि इन सिस्टम को मैंने कैस्केडिंग कर दी, एस एस और एस, ठीक है। यहाँ मेरा I0, I1, I2, I3, ठीक है। अब यहाँ मेरा ऑब्वियसली बात है कुछ आउटपुट आ रहा होगा, दैट इज Y0, Y1, Y2, ये भी नहीं करते। यहाँ क्या है फिर LED लगी है, ठीक है, यहाँ LED लगी है। तो वो कह रहा है कि अब ये बताओ ये LED क्या है, 1 1 2 3 4,
तो अब वो ये कह रहा है कि कौन कौन सी LED ग्लो करेंगी, ये मुझे पता करना है, ठीक है। अब I0, I1, I2, I3 का जो उसने सिक्वेंस दिया है वो है आपका 1010। अब आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि मेरा सिस्टम S है, इन S सिस्टम को मैंने कैस्केड कर दिया 3S सिस्टम को, तो यहाँ पे मेरी कौन कौन सी LED ग्लो करेंगी वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने बोला लाइक आपका नंबर N था, ठीक है। एक मेथड ये है कि आप यहाँ पे आउटपुट रखो, यहाँ पे इनपुट रखो, यहाँ आउटपुट चेक करो, ठीक है। तो वो आउटपुट आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस सिस्टम के लिए ये इनपुट हो गया, फिर इसका आउटपुट निकालो, इस सिस्टम के लिए ये इनपुट हो गया, फिर इसका आउटपुट लगा लो, तो आपको पता लग जाएगा आंसर। बट मैं ये इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस है, आपको बहुत कन्वर्जन करने पड़ेंगे, फर्स्ट कन्वर्जन, सेकेंड, ठीक है, फिर थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ और सिक्स कन्वर्जन आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि 4-bit नंबर का, 4-bit सपोज नंबर n है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो होता है r^n-1-n, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे मेरा नंबर n है, r की वैल्यू 2^4-1-n, ये आ गया 15-n। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आई, 15-n, क्लियर। अब यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 4-bit का, इनपुट नंबर ये है, ठीक है, एन डैश से मान लिया है, वो होगा r^n-n-, ठीक है। यहाँ पे r क्या है 2, n क्या है 4, एन डैश क्या है 15-n, ये क्या हो गया n+1। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे n दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है n+1, ठीक है। अब ये सिस्टम 3 लगे हैं, तो देखना यहाँ पे क्या है n, यहाँ पे क्या आएगा n+1, यहाँ पे क्या आएगा n+2, और यहाँ पे क्या आएगा n+3। दैट मीन्स जो मेरा सिक्वेंस है उसमें मैं 3 ऐड कर दूंगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। सिक्वेंस क्या है मेरा 1010, 3 ऐड किया 1011, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे होगा 1101, ठीक है। MSB है, RSB वो है इसके अकॉर्डिंग। अब मेरा कहाँ कहाँ पे 1 है वहाँ वहाँ की LED ऑब्वियसली बात है ग्लो करेंगी। तो LED कौन सी ग्लो करेंगी, LED जो ग्लो करेंगी वो 4, 3 एंड 1, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया आंसर। तो आप ये देख लो कि एक बस मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कन्वर्टर से एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बना दी, लाइक जिसको आप बहुत सारा टाइम लगा सकते थे सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये एक स्पेशल प्रॉब्लम बन गई। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि डिजिटल इज़ लाइक कि देखने में आसान है पर मैं अगर उसमें एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो क्वेश्चन अच्छे भी बन सकते हैं। तो आज को अब हम यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हुए मैं आपको कुछ हल्का फुल्का आइडिया देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को कैसे हम, अगर साइन नंबर है तो उसका हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। फिर साइन नंबर का हमने क्या किया, हमने देखा कि उसकी रेंजेस क्या क्या होती हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन किया, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है। फिर BCD कोड और XS3 कोड पढ़े कि BCD कोड कन्वर्जन कैसे करते हैं, XS3 कोड कन्वर्जन कैसे करते हैं। फिर हमने बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं। अब मैं मेरा मतलब अब जो मेरा बचा है इस टॉपिक में दैट इज़ BCD एडिशन, ठीक है। फिर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, BCD एडिशन पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा की तरफ हम अपने कदम रखेंगे, लॉजिक गेट्स पढ़ लेंगे। जब हम लॉजिक गेट्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रे कोड, तो ग्रे कोड के बाद हम कुछ कन्वर्जन पढ़ेंगे कोड्स के, और थोड़ी ग्रे कोड और XS3 कोड की एक कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से आपका जो है वो बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपको इससे कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है नंबर सिस्टम में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट जो मुझे जो लग रहा है, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि हमेशा एक डेसिमल नंबर सिस्टम को आप रेफरेंस बना के अवश्य चलिए, अगर वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है डेसिमल का तो आपको नंबर सिस्टम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली,
और जो मेरे लेक्चर हैं इसको आप थॉरली अगर पढ़ोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैंने जितने टाइप्स की प्रॉब्लम रहती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं इस चैप्टर, मतलब इस टॉपिक से। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट जो हमारा वो है टॉपिक, दैट इज़ बूलियन अलजेब्रा, उसकी तरफ हम प्रस्थान करेंगे। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच।